नमस्ते बच्चों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। अच्छा, जल्दी जल्दी अपनी हिंदी की बुक निकालो। वेरी गुड, आपने सबने यहाँ पे नाम लिखा होगा अभी। ठीक है, नहीं लिखा है तो फिर से लिख दो, कंप्लीट करो। एक क्विक रिवीजन, हमने पिछले क्लास में क्या सीखा है? अ, हिंदी वर्णमाला का पहला स्वर कौन सा होता है? अ, अ से अनार, अ से अनार, अ से अजगर, अ से अजगर, अ से अदरक, अ से अदरक। और यहाँ पे आपने स्टिकर लगाया है, ठीक है। ये आपने ट्रेसिंग कंप्लीट किया है पेंसिल से, ठीक है, वेरी गुड। अगर आपने अच्छे से किया है तो मैं यहाँ पे आपको एक स्टार दूंगी, ठीक है। अ के बाद कौन सा आता है? आ, इसको थोड़ा खींचना है बोलते समय बच्चों। आ, वर्णमाला का दूसरा स्वर है आ। देखो बच्चों, हमने अ लिखा है वैसे ही लिखना है इसको, थ्री लिखना है, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, लेकिन यहाँ पे एक और स्टैंडिंग लाइन है, फिर स्लीपिंग लाइन। तो ये है आ। इसे आप उंगली से 5 बार, मतलब 5 टाइम्स इसको ट्रेस करना है, ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे अच्छे से आपको उंगली से ट्रेस करना है। और ट्रेस करते समय आपको बोलना है आ। क्या बोलोगे बच्चों? आ, आ से आम, आ से आम। आम मतलब मैंगो, अभी मैंगो का सीजन है ना, आपने बहुत सारे आम खाए होंगे, आपको पसंद है आम? अच्छा, वेरी गुड, आ से आम। नेक्स्ट है आ से आकाश, आकाश, आ से आकाश। और थर्ड वन है आ से आलू, आलू, आ से आलू, आ से आम, आ से आकाश, आ से आलू। इसके बाद क्या करेंगे बच्चों? हम करेंगे ट्रेसिंग। पहले उंगली से ट्रेसिंग करें बच्चों, स्लीपिंग लाइन आ। इसके बाद पेंसिल से ट्रेसिंग करोगे, स्टॉप। फिर यहाँ पे थ्री लिखो, फिर थ्री लिखकर स्लीपिंग लाइन, फिर थ्री लिखकर स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, वन मोर स्टैंडिंग लाइन, एंड एट लास्ट थ्री स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, वन मोर स्टैंडिंग लाइन, एंड एट लास्ट स्लीपिंग लाइन। ये स्लीपिंग लाइन यहाँ पे टच नहीं करना है, अच्छे से ट्रेस करके आ लिखना है। लिखने के बाद क्या करोगे बच्चों? आ का स्टिकर निकाल कर कट करके यहाँ पे इस पर चिपकाओगे। पहले आपको उंगली से 5 टाइम्स ट्रेसिंग करना है, फिर पिक्चर सब पढ़ने हैं, फिर पेंसिल से ट्रेस करना है, उसके बाद यहाँ पे स्टिकर लगाना है, तो हो जाएगा ये पेज कंप्लीट। अ के बाद क्या आता है बच्चों? आ। व्हाट कम्स आफ्टर अ? दैट इज आ। व्हाट यू मस्ट से? आ। यू मस्ट स्ट्रेच व्हेन यू आर सेइंग, यू मस्ट स्ट्रेच आ। सो लाइक दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस पेज, ये पेज कंप्लीट हो गया, ठीक है। अच्छे से लिखो बच्चों, तो आपको स्टार्स, स्माइली सब मिलेगा, ठीक है। बच्चों, मैं अभी आपको आ नोटबुक में कैसे लिखते हैं सिखाऊंगी। उससे पहले मैं पूछना चाहूंगी, आपने कल का होमवर्क किया है ना, अ इस तरह एक लाइन छोड़ के, और अ से ऐसे अनार का चित्र मैंने बना के उसे कलर भी किया है, तो ये सुंदर दिखेगा। आप ऐसा ही करना, ऐसे ही करना, ठीक है। अ के बाद आता है आ। आ से आम, आ से आलू। तो पहले हम चित्र बनाएंगे, देखो बच्चों, ऐसे एस जैसे लिखना है, लेकिन ऊपर का पार्ट बड़ा करना है, नीचे छोटा करना है, फिर इसको
ज्वाइंट करना है। ये हो गया आ से आम और आ से आता है आलू, ये है आलू। आप इसे कलर भी कर सकते हो। बच्चों स्केच पेन यूज मत करना, वो पीछे प्रिंट हो जाता है। आप पेंसिल कलर्स और क्रेयॉन्स यूज कर सकते हो, ठीक है। देखो बच्चों कितना सुंदर चित्र बन गया है ना, आम का और आलू का। आ से आम, आ से आलू। पहले यहाँ पे लिख के लेना है आ, एक लाइन छोड़ना है, डॉट्स डालने हैं। आप अपने मम्मी पापा का हेल्प ले सकते हो। डॉट डालने के बाद आप लिखना शुरू कीजिए। देखो बच्चों फिर से थ्री लिखना है, नीचे का जो है थोड़ा सा कर्व ऊपर लेना है, थोड़ा सा स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, वन मोर स्टैंडिंग लाइन और उसके बाद स्लिपिंग लाइन, ये है आ। देखो बच्चों आ से आम, आ से आलू। इसे पूरा ऐसे खींचना नहीं है, सिर्फ यहां जो लाइंस है ना उस पे आपको स्लिपिंग लाइन बनानी है। आ से आकाश। मैंने देखा है बच्चों आप कई बार इस तरह लिखते हो, अगर ये यहाँ पे सीधा ऊपर सामने आ गया तो ये रॉन्ग है, ऐसे नहीं लिखना है। ये जो लाइन है यहीं पे स्टॉप हो जाएगा और ये सेपरेट लाइन आएगा, अगर ये आगे चला गया तो ये रॉन्ग है। ऐसे कभी भी आ नहीं लिखना है, इस तरह लिखना है, ये करेक्ट फॉर्मेशन है। ये इस तरह आपको ये पेज कंप्लीट करना है बच्चों, ठीक है। धन्यवाद।